नमस्कार, आप देख रहे हैं आर वोज न्यूज़। आइए नजर डालते हैं प्रमुख खबर पे। हमारे संवाददाता तौसिफ अहमद की खबर। कोरोना वैक्सीन को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने किया औचक निरीक्षण। 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीन स्वास्थ्य विभाग से पदाधिकारी एवं कर्मी को पढ़नी है, जिसको लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी राजाराम पंडित एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एमए उस्मानी ने संयुक्त रूप से अनुमंडल अस्पताल के बने टीकाकरण रूम एवं रजिस्ट्रेशन रूम का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के उपरांत वीडियो श्री पंडित एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने बताया कि सरकार के निर्देश एवं जिला पदाधिकारी के आदेश अनुसार सारी तैयारी पूरी की जा रही है। शाम तक सारी तैयारी पूरी हो जाएगी। 16 जनवरी यानी कल शनिवार को प्रथम चरण में 100 स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी एवं कर्मी को टीकाकरण किए जाएंगे। तत्पश्चात जैसे ही जिला से निर्देश प्राप्त होंगे, वैसे ही टीकाकरण की प्रक्रिया बढ़ाई जाएगी। श्री पंडित ने बताया कि पहले चरण में सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सक एवं कर्मी को टीका पड़नी है। जिन लोगों को टीका पड़ेगा, उसे चिकित्सक अपने मॉनिटरिंग में रखेंगे। तत्पश्चात स्वास्थ्य विभाग के कर्मी क्षेत्र में जाकर टीकाकरण लोगों को दिया जाएगा। टीकाकरण की सफलता को लेकर सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन दिए गए हैं, उस हिसाब से सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। COVID-19 वैक्सीन इज सेफ। फॉलो द प्रिस्क्राइब्ड प्रोसेस फॉर वैक्सीनेशन। रजिस्टर ऑन कोविन सिस्टम यूजिंग अ वैलिड फोटो आईडी। बेनिफिशियरी विल रिसीव SMS मैसेजेस ऑन देयर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। ऑन द वैक्सीनेशन साइट, वैक्सीनेशन ऑफिसर 1 विल चेक रजिस्ट्रेशन एंड वेरीफाई फोटो आईडी ऑफ द बेनिफिशियरी। वैक्सीनेशन ऑफिसर 2 will authenticate verify documents on Cowin. Vaccination officer will vaccinate the beneficiary. Following vaccination, all beneficiaries should wait in the observation area for 30 minutes. Vaccination officer 4 and 5 will ensure 30 minutes wait, monitoring and guiding the non-registered beneficiaries. Come for second dose of vaccine on the due date as per SMS received.